वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड गाइज, मैं आपको आज एक स्टोरी सुनाने वाली, मतलब बेला की। मेरी जो बिल्ली है उसका नाम है बेला, सो मेरी कैट का नाम बेला है। एंड मैं आज उसके बारे में ही आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टोरी कुछ यहाँ से शुरू होती है कि मेरी प्यारी सी बेला ने स्पैरो को पकड़ लिया। एंड उसके बाद स्पैरो का नाम सोचा, एंड स्पैरो का नाम हमने रखा स्वीटी। मेरे बड़े भाई ने कोशिश की उसको एक घर में रखने की, मतलब हमने उसको डब्बे में रखने की कोशिश की। मेरे भाई ने थोड़ा प्यार किया उसको डब्बे में, लेकिन वो डब्बा थोड़ा छोटा था, तो इसी वजह से चिड़िया मेरे भाई, मतलब छोटे से डब्बे से उड़ के बाहर निकल गई। तो हमने उसको एक बड़े से डब्बे में बंद कर लिया। एंड मेरे भाई ने उसको पानी, खाना खिलाने की कोशिश की, तो उसने थोड़ा बहुत खाया। एंड 2-3 दिनों बाद वो थोड़ा ठीक हुई वो, तो हमने उसका एक घर बनाया। थोड़ा ठीक होने के बाद हमने उसका घर बनाया। घर के ऊपर एक छोटा सा फ्लावर लगा हुआ था। एंड घर के अंदर जाते साथ ही हम, मतलब घर के अंदर उसके बाहर थोड़े बीस भी लगे हुए थे। बहुत प्यारा सा हमने सजाया था उसका घर। एंड उसके अंदर हमारी छोटी सी स्वीटी अंदर बैठी हुई थी, और हमने उसके अंदर नेस्ट रखा था छोटा सा। एंड इस साइड में उसके खाने के लिए हमने खाना रखा था। यहाँ उसको नेस्ट के ऊपर बैठना बहुत पसंद आ गया था, तो हमने उसको इसके नेस्ट के ऊपर बिठा दिया। एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया उसको। एंड फिर हमने उसको थोड़ा बाहर घुमाया फिराया ताकि वो थोड़ा उसको उड़ने की कोशिशें कराने लग गए। मतलब उसको एक जगह पे रखा, उसको नीचे गिराया, वो थोड़े पंख खिलाती थी तो वो थोड़े उड़ने की कोशिश कर रहे। एंड उसके बाद 20 दिन गुजर गए। एंड 20वें दिन हम मर गए, और हमने उसकी कब्र भी बनाई बहुत अच्छे से। कब्र के ऊपर लिखा रिप 24 मई 2021 को वो, मतलब मर गई थी। बहुत ही अफसोस हुआ, बहुत प्यारी सी थी, छोटी सी थी। एंड उसके बाद 2-3 महीनों बाद क्या हुआ वो मैं आपको खुद ही बता देती हूँ। 4 महीनों बाद बेला एक और स्पैरो ले, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। एंड वो उसको अभी खाना पीना, मतलब पानी पीना भी नहीं आ रहा। हमने उसको थोड़ा पिलाया, थोड़ा ही पिया, मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी टेंशन अब इसको खाना खिलाना सिखाना पड़ेगा, और उड़ना भी सिखाना पड़ेगा। तो बाय गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड गाइस, तीनों चीज़ें करना, बहुत मेहनत लगती है एडिटिंग करने में। एंड गाइस, अब दूसरी मुसीबत आ गई है, एक और चिड़िया, इसको भी हमें संभालना पड़ेगा, उड़ाना सिखाना पड़ेगा। इंशाल्लाह ये भी ज़्यादा देर जिंदा रहे, 20 दिनों से ज़्यादा, वो तो 20 दिन रही थी। एंड यही जो आपको नज़र आ रही है, इसने ही मारा था, मारा नहीं, इसने ही हमें ला के दिखाया ताकि इसको हमारे पास आए। तो बाय गाइज, ये बहुत प्यारी है, बाय।